Hey guys, this is Soham Kumar. Welcome to our YouTube channel that is Detailed Mathematics. So this is the third lecture of the polynomials. Till lecture second, we have learned about the polynomials in details. That is, what is the algebraic expression, what is the constant, and what is variables. But now you are seeing that some equation is written on the board. कुछ लिखा हुआ है बोर्ड पे a नॉट x a टू द पावर a जीरो x टू द पावर जीरो इसके a नॉट भी बोल सकते हैं प्लस a वन x पावर वन a टू x स्क्वायर प्लस a थ्री x क्यूब प्लस डैश 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 प्लस a n माइनस वन x टू द पावर n माइनस वन प्लस a n x पावर n ये है क्या ये जो लिखा हुआ बोर्ड पे ये है क्या पहले हम लिख दिए ये है क्या आखिर में तो हम पहले आपको बता देते हैं कि जो आज हम पढ़ने वाले इस टॉपिक का नाम है पॉलीनोमियल्स इन वन वेरिएबल क्या है polynomials in one variable अब तो आपको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए polynomial क्या है हम वो भी बता चुके हैं डिटेल में फिर उसका क्लासिफिकेशन भी बता चुके हैं अब वेरिएबल भी बता चुके हैं वेरिएबल क्या होता है जो वेरी करता है वेरिएबल क्या होता है जो वेरी करता है ठीक है कितना क्या वेरी कितना वेरिएबल होगा इसमें कितना कितना टर्म वेरी करेगा इस इक्वेशन में जो इक्वेशन हम लोग पढ़ने वाले पॉलीनोमियल इन वन वेरिएबल कितना टर्म वेरी करेगा एक कितना एक क्योंकि कितना वेरिएबल है वन वेरिएबल है ठीक है तब इसमें ध्यान से देखिए इस चीज़ को ए नॉट एक्स टू द पावर जीरो प्लस ए वन एक्स पावर वन इस जा रहा इसमें इसमें एक कंडीशन है कंडीशन क्या पता है वेयर कंडीशन क्या है ए नॉट ठीक है ए नॉट कमा ए वन कमा ए टू से लेकर के एन माइनस वन से ए एन इज आर कांस्टेंट ये क्या है कांस्टेंट है ये क्या है कांस्टेंट है क्या कांस्टेंट है वेयर एक और कंडीशन क्या है वेयर एक्स इज अ वेरिएबल एक्स क्या वेरिएबल है ठीक है ए नॉट ए वन ए टू ए थ्री ये सब जो जा रहा है ये सब क्या है कांस्टेंट है और एक्स जो है वो क्या है वेरिएबल है और द पावर ऑफ वेरिएबल इज डिग्री वो क्या है डिग्री है पावर का वेरिएबल जो वेरिएबल का पावर उसको क्या बोलते हैं डिग्री तो यहाँ पर ए नॉट ए वन ए टू ए थ्री ये सब जो क्या है वो सब क्या है कांस्टेंट है एक्स नॉट सॉरी एक्स पावर जीरो एक्स पावर वन एक्स पावर टू एक्स पावर थ्री इस लेकर के एक्स पावर एन तक जो जा रहा है वो क्या है वेरिएबल है और जो पावर में है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स वो क्या डिग्री है डिग्री क्या चीज किसका डिग्री है पॉलीनोमियल्स का डिग्री है ठीक है सो ये जो इक्वेशन है ये जो इक्वेशन है ए नॉट एक्स पावर जीरो ये जो है जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन है ये कौन सा फॉर्म ऑफ इक्वेशन है ये जनरल फॉर्म इसको हम लोग क्या बोलते हैं जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन क्या बोलते हैं जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन इसको नोट कर लीजिए इस फॉर्म से ही ऑफ nth टर्म इक्वेशन ऑफ nth टर्म कितना टर्म के लिए है n टर्म के लिए एन टर्म के लिए कितना टर्म इसमें एन टर्म है कितना टर्म से इसे पूछेगा अच्छा इसी इक्वेशन में पूछा जाएगा कि कितना टर्म है इसी इक्वेशन में पूछा जाएगा कि कितना टर्म है तो टर्म बताए थे टर्म किससे हम लोग डिस्टिंग्विश करते हैं प्लस या माइनस से तो एक एक है मतलब यहाँ देखिए एक है दो है तीन है चार है ग्यारह हजार 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 पता नहीं चल रहा पाँच छः इधर मतलब एन टर्म्स कितना है एन तक जा रहा है कितना तक जा रहा है एक्स पावर एन तक जा रहा है जीरो वन टू थ्री जा रहा है ऐसे जा रहा यहाँ एन माइनस वन एन मतलब कितना तक जा रहा है एन तक जा रहा है तो इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो गया यहाँ पर क्या हो गया टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इज इक्वल टू एन टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना हो गया एन डिग्री क्या होगा इस जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन का डिग्री क्या होगा एन डिग्री क्या होगा इसका डिग्री इज इक्वल टू एन डिग्री में क्या होता है डिग्री क्या होता है हाइएस्ट पावर इसमें हाइएस्ट पावर कितना है एन ठीक है ये समझ में आ रहा कि ये क्या हो रहा है ये जनरल इक्वेशन क्या है ये सब क्या बता ये समझ में आ गया ठीक है अब ये जनरल इक्वेशन है इसी इक्वेशन से बहुत सारे फॉर्म ऑफ जो पॉलीनोमियल्स हैं वो आएंगे बहुत सारे फॉर्म ऑफ पॉलीनोमियल्स हैं लीनियर क्वाड्रेटिक क्यूबिक बाइक्वाड्रेटिक ये चलते जाता है ठीक है
वो सब जो वो सभी हम बताएंगे, उस जनरल्स का जनरल फॉर्म बताएंगे, ठीक है। उससे पहले हम एक चीज पढ़ लेते हैं कि पॉलिनोमियल्स है, पॉलिनोमियल्स से बहुत कुछ मिलते हैं, जितना टर्म्स डिवाइड होता है, अगर एक टर्म्स आए उसको क्या बोलते हैं, दो टर्म आए उसको क्या बोलते हैं, ठीक है, उसको पहले देख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम इधर साइड में दिखाते हैं उसको, उसके बाद फिर हम जनरल टर्म में जाते हैं, ठीक। ध्यान से देखिएगा, इधर देखिए, पॉलिनोमियल तो सबको पता है ना, पॉलिनोमियल के बारे में सबको पता है, ठीक है। बट पॉलिनोमियल्स मतलब क्या होता है, आपको पहले बता चुके, पॉली मतलब मेनी, नॉमियल्स मतलब टर्म्स, ये पहले पता है आपको, नॉमियल्स मतलब टर्म्स, मेनी टर्म्स, बहुत सारे टर्म्स, ठीक है, मेनी टर्म्स। अब मान लिया मेनी टर्म्स, अगर ज़्यादा टर्म ना रहा, सिर्फ एक टर्म्स रहा, टर्म्स क्या है बताएंगे आपको, कॉन्स्टेंट इंटू वेरिएबल टू द पावर रेशनल नंबर, बट वो नहीं है क्योंकि होल नंबर होगा, रेशनल नंबर जो होगा होल नंबर हो जाएगा, अगर वो रेशनल नंबर रहा तो वो क्या हो जाएगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अगर होल नंबर रहा तो होल नंबर क्या हो जाएगा, पॉलीनोमियल्स, ठीक है। तो वेरिएबल एक कॉन्स्टेंट मान लीजिए, कॉन्स्टेंट एक है, एक मान लीजिए कॉन्स्टेंट है, एक्स वेरिएबल मान लीजिए, वेरिएबल का पावर होल नंबर मान लीजिए, एन को होल नंबर मान लिया, तो यहाँ पर टर्म्स एक है, एक टर्म को हम लोग क्या बोलेंगे, मोनोमियल्स, मोनोमियल्स, ठीक है, क्या बोलेंगे, मोनोमियल्स, क्या बोलेंगे, मोनोमियल्स, एक एक टर्म्स को हम लोग क्या बोलेंगे, मोनोमियल्स। यही अगर दो टर्म रहा तो ए एक्स टू द पावर एन प्लस ए वन एक्स टू द पावर ए पावर एक्स पावर एन प्लस वन, ऐसे दिखा रहा, ठीक है, मान लीजिए, ठीक है। इसको ये दो टर्म्स है, कितना टर्म है यहाँ पर, दो टर्म है, दो टर्म को हम लोग क्या लिखेंगे, बाइनोमियल, क्या लिखेंगे, बाइनोमियल, ठीक है। वही अगर तीन टर्म रहा, कोई भी अगर तीन टर्म रहा, मान ली इधर है, मान ली इधर ए ए वन एक्स टू द पावर वन प्लस ए टू एक्स टू द पावर टू प्लस ए थ्री एक्स टू द पावर थ्री, यहाँ तीन टर्म है, कितना टर्म है, तीन टर्म है, तीन टर्म को हम लोग क्या लिखेंगे, ट्राइनोमियल्स, क्या लिखेंगे, ट्राइनोमियल्स, ठीक है। यही अगर फोर टर्म रहा तो क्या लिखेंगे, उसके बाद आगे लिखते जाएंगे सब, फिर अगर तीन टर्म के आगे अगर और भी हम लिखे, मतलब मोनोमियल्स वैसे चलते जाएगा, ठीक है, वो सीरीज चलते जाएगा, मोनोमियल्स बाइनोमियल्स ट्राइनोमियल्स ऐसे ऐसे चलते जाएगा चलते जाएगा चलते जाएगा, मतलब खत्म नहीं हुई है, मतलब अगर और भी जा रहा बहुत सारा, एन टर्म्स के लिए हो गया, मतलब एन टर्म्स हो गया, एन टर्म्स मतलब मान लीजिए ए एक्स टू पावर वन प्लस ए टू एक्स टू द पावर टू प्लस लेकर के ए एन एक्स टू द पावर एन तक जा रहा, तब हम क्या लिखेंगे, पॉलिनोमियल्स। अब बोलेंगे क्या इसी को सिर्फ पॉलिनोमियल्स लिख सकते हैं, जी नहीं, जी नहीं, ये भी पॉलिनोमियल्स है, ये भी पॉलिनोमियल्स है, ये भी पॉलिनोमियल्स का पार्ट है, सब पॉलिनोमियल्स का पार्ट है, बट पॉलिनोमियल्स हम मोनोमियल्स लिखे, बाइनोमियल्स लिखे, ट्राइनोमियल्स भी लिखे, इसके बाद जो भी आता है हम सबको पॉलिनोमियल कंसिडर करते हैं, ठीक है, इतना समझ में आ रहा, इसको नोट कीजिए, ठीक है, इसको नोट कीजिए, इसके बाद फिर हम वापस आते हैं उसमें, उसके बाद उससे हम जनरल टर्म्स निकालेंगे, सारे जनरल टर्म निकालेंगे, लीनियर क्वाड्रेटिक क्यूबिक बाइक्वाड्रेटिक सब का निकालेंगे, ठीक है, इसे नोट कीजिए। हम लोग क्या पढ़ने वाले अभी, वेरियस डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स, वेरियस डिग्रीज ऑफ पॉलिनोमियल्स, समझ में आ रहा, हम लोग क्या पढ़ने वाले, वेरियस डिग्रीज ऑफ पॉलिनोमियल्स, पॉलिनोमियल्स के अंदर ये टॉपिक है, वेरियस डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। अभी हम लोग जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल्स पढ़े, जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल्स, वो जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या था, वो जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या था, वो था ए नॉट एक्स पावर जीरो प्लस ए वन एक्स पावर वन प्लस ए टू एक्स पावर टू से लेकर के ये जा रहा प्लस ए एन माइनस वन एक्स पावर एन माइनस वन से ए पावर ए एन एन एक्स पावर एन था, ये था जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल्स, वेयर हम लोग सबको पता था ए नॉट कॉमा से मतलब ए नॉट ए वन से लेकर के ए एन माइनस वन एन तक मान लीजिए, ये क्या था, कांस्टेंट था, क्या था, कांस्टेंट, ये बस रफली हम बता रहे हैं, ये हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं, थोड़ा देर पहले पढ़े पढ़े ना, ये जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन था, इसी में से क्या बोला है, वेरियस डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स निकालना, ये जो जीरो है एक पहला डिग्री है, ये जीरो डिग्री है, ये वन डिग्री है, ये टू डिग्री है, इसका थ्री डिग्री आएगा, फोर डिग्री आएगा, फाइव डिग्री आएगा, सिक्स डिग्री आएगा,
एन माइनस वन डिग्री आया, एन डिग्री आया, आया ना, ये सारा डिग्री आ रहा है। ध्यान से आप देखिए, जीरो डिग्री है, वन डिग्री है, टू डिग्री है, थ्री डिग्री आएगा, फोर डिग्री आएगा, फाइव डिग्री आएगा, जाते जाते एन माइनस वन डिग्री आएगा, एन डिग्री आएगा। अब आप सोचते हैं एन माइनस वन और एन डिग्री क्या है, एन डिग्री और एन माइनस वन डिग्री मतलब इसका कोई अंत नहीं है, इन्फाइनाइट तक जा रहा, पहले बता चुके कि कोई इसका कोई अंत नहीं है। एन मतलब दे दिए मतलब ये जा रहा, मतलब जा रहा तो जा रहा, जा रहा तो जा रहा, ठीक है, इसका कोई एंड नहीं है, ठीक है, इसका कोई एंड नहीं है। सो अब हम पहला पहला जो है वेरियस डिग्रीज ऑफ पॉलिनोमियल्स में है, जो पहला डिग्री क्या है, पहला डिग्री है लीनियर पॉलिनोमियल्स, लीनियर क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल्स क्या है, पहला पहला वाला है लीनियर पॉलिनोमियल्स। लीनियर, अच्छा ये लीनियर मतलब क्या होता है पता है, लीनियर पॉलिनोमियल्स इसका डेफिनेशन पहले आपको लिख के दिखाते हैं। द लीनियर पॉलिनोमियल्स आर द पॉलिनोमियल्स होज हाइएस्ट, होज वेरिएबल्स हाइएस्ट डिग्री, मतलब वही वेरिएबल समझ लिए, होज हाइएस्ट डिग्रीज वन, ठीक है, इतना समझ लीजिए। वेरिएबल पे ही डिग्री हम लोग लगा रहे हैं क्योंकि कांस्टेंट पे डिग्री नहीं लगा रहे, कांस्टेंट पे डिग्री लगाएंगे तो कांस्टेंट का फिर वो इवेल्यूएट हो जाएगा, ठीक है, इतना बात समझ लीजिए। क्योंकि कांस्टेंट मान लीजिए कुछ भी है, सिक्स का स्क्वायर करेंगे तो ये 36 ऑलरेडी एक कांस्टेंट बन जाएगा, इसलिए कांस्टेंट पे हम लोग डिग्री नहीं लगा सकते, वेरिएबल पे ही डिग्री लगा रहे क्योंकि वो इवेल्यूएट नहीं होगा। तो लीनियर पॉलिनोमियल्स क्या बोल रहा है, लीनियर पॉलिनोमियल्स बोल रहा है द लीनियर पॉलिनोमियल्स आर द पॉलिनोमियल्स, लीनियर पॉलिनोमियल्स वो पॉलिनोमियल्स है, पॉलिनोमियल्स है हुज हाईएस्ट डिग्री इज वन, जो एक इक्वेशन होगा उसमें से जो सबसे ज्यादा बड़ा पावर होगा, जो सबसे ज्यादा बड़ा वाला पावर होगा वो पावर वन होगा। जैसे जैसे देखिए जनरल इक्वेशन क्या था, ए नॉट एक्स पावर जीरो प्लस ए वन एक्स टू पावर वन प्लस ए टू एक्स टू पावर टू, ऐसे ऐसे चलते जा रहा था ना। बट यहाँ देखिए पावर क्या है, जीरो है, वन है, ये क्या है टू, यहाँ हाइएस्ट पावर क्या मांग रहा है वन, मतलब ये मांग रहा है वन, ये टू नहीं मांग रहा, तो यहाँ से हम लोग सब चीज़ को कैंसिल कर देंगे, हटा देंगे, सिर्फ हम लोग यहीं तक रखेंगे, क्या करेंगे इसको हम लोग हटा देंगे, ठीक है, तो इसको हम रब करके दिखाते हैं, हम लोग इसको ऐसे हटा देंगे, ठीक है, समझ में आ रहा, तो इसको हम ऐसे अगर हटा देते हैं तो लास्ट में हमको टर्म्स कितना मिल गया, दो टर्म्स, देखिए क्या क्या मिला, ए नोट एक्स टू द पावर जीरो, एक नीचे जीरो है उसका ए नोट भी बोलते हैं या फिर ए जीरो भी बोल सकते हैं आपका मतलब मर्जी, ठीक है, प्लस ए वन एक्स टू पावर वन, ठीक है, ये हो गया एक्सप्रेस, ये हो गया लीनियर पॉलिनोमियल, क्या हो गया लीनियर पॉलिनोमियल का एक्सप्रेशन हो गया लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है, इतना समझ में आ गया। आपको पता है, हाँ आपको पता है एक्स टू द पावर जीरो का वैल्यू क्या होता है, आप एक्स टू द पावर जीरो का वैल्यू क्या होता है, एक्स टू द पावर जीरो का वैल्यू क्या होता है, एक्स टू द पावर का जीरो का वैल्यू होता है वन, क्या होता है वन, तो ए नॉट इंटू वन इज इक्वल टू ए वन एक्स पावर वन, मतलब एक्स हो गया, ठीक है, सॉरी प्लस यहाँ होगा, ठीक है, पता ही है, तो ए नॉट इंटू वन इज इक्वल टू ए नॉट प्लस ए वन एक्स, ठीक है, समझ में आ रहा, ये बात समझ में आ गई, समझ में आ गया, आपको ऊपर में दिखाते इधर इसको, ये सब तो आप नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, इसको बढ़िया डिटेल में बताते हैं इसको, लीनियर पॉलिनोमियल को इधर आप रब कर रहे, ठीक है, हमको फाइनल में क्या मिला, फाइनल में क्या मिला, ए नॉट प्लस ए वन एक्स, ये मिला, मिला नहीं, ये लीनियर पॉलिनोमियल्स है, लीनियर पॉलिनोमियल्स, ठीक है, ये है ना, कोई कोई a1 के जगह पर b लिखता है, कोई कोई a1 के जगह पर b लिखता है, कोई कोई एक्सप्रेशन को इस तरह लिखता है ए एक्स नॉट प्लस बी एक्स पावर वन प्लस सी एक्स टू पावर स्क्वायर, जिस तरह जिसका मन होता है वो ए बी सी डी को भी वो कंसिडर करता है, क्या वो कॉन्स्टेंट कंसिडर करता है, ठीक है, तो हम यहाँ पर a1 नहीं b नहीं a1 लिख रहे, ठीक है, समझ में आ रहा,
और यहाँ पर वो जनरल टर्म्स जो हम लोग जनरल इक्वेशन लिखे थे उसमें क्या लिखा था, ए वन कॉमा ए एक नॉट कॉमा ए वन कॉमा ए टू, ये सब क्या है, कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट है, ठीक है, कॉन्स्टेंट है। सो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने के लिए, ये लीनियर इक्वेशन होने के लिए कुछ और कंडीशन लगेगा। कंडीशन क्या लगेगा कि इसको हम लोग जीरो नहीं कर सकते क्योंकि इसका पावर वन है। अब ध्यान से देखिए, इसको हम लोग जीरो नहीं कर सकते, इसको इसको x टू द पावर वन को हम लोग जीरो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर x टू पावर जीरो कर दिए तो ये देखिए, अगर हम इसको मान लीजिए लेट x टू द पावर जीरो हो गया, ठीक है, ठीक है, तो a वन a नॉट प्लस a वन x टू पावर जीरो, ठीक है, तो x टू पावर जीरो वन, तो a नॉट प्लस a वन, तो ये तो लीनियर पॉलिनोमियल्स रहा ही नहीं, ये लीनियर पॉलिनोमियल्स रहा ही नहीं, ये तो जीरो हो जाएगा। यहाँ पर x पावर जीरो हो गया, हाईएस्ट पावर जीरो हो गया, ये लीनियर पॉलिनोमियल्स नहीं रहेगा। इसीलिए सो यहाँ मस्ट, सबसे बड़ा कंडीशन क्या है, सबसे बड़ा कंडीशन क्या है कि ए वन सॉरी क्या बोलता हाँ इसको लिखिए कि एक्स एक्स पावर जो है, एक्स पावर जीरो होना, मतलब एक्स पावर वन होना सबसे ज़्यादा जरूरी, मस्ट, हाँ हाँ कैसे लिखे इसको, हाँ हाँ इसको एक्स पावर वन इज कंपल्सरी है इसको, ठीक है, कंपल्सरी है, कंपल्सरी है इसको, बस इतना लिखिए, ठीक है, तब समझ में आ जाएगा। हाँ, और एक चीज़ और ये जो आपको समझ में आ गया लीनियर पॉलिनोमियल्स क्या है, ताकि इसका जो पावर है हाईएस्ट डिग्री जो है एक्स पावर वन, ये होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, समझ में आ गया, कॉपी कर लीजिए। इसके बाद हम सेकेंड दिखाते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, तब समझ में आएगा आपको, ठीक है। और एक चीज़ में एक और कंडीशन क्या पता क्या, कि ए वन जो है ये जीरो नहीं होना चाहिए। ए वन अगर जीरो हो गया, ए वन अगर जीरो हो गया, यही चीज़ हम बोल रहे थे, ए वन अगर जीरो हो गया, आप देख लीजिए, इफ़ मान लीजिए, इफ़ ए वन इज इक्वल टू जीरो, सिर्फ मानिए इस बात को, अगर ए वन जीरो है देन ए वन प्लस जीरो एक्स टू पावर वन इज इक्वल टू ए वन, तो भैया यहाँ तो ये लीनियर पॉलिनोमियल्स रहा ही नहीं, क्योंकि x इसमें नज़र नहीं आ रहा, x का पावर जीरो है यहाँ, तो लीनियर पॉलिनोमियल्स रहा ही नहीं, ये जीरो पॉलिनोमियल्स बन गया ना, ये लीनियर नहीं रहा, इसलिए हम लोग a का पावर जीरो नहीं दे सकते। हम लोग क्या कर सकते हैं, a पावर जीरो नहीं दे सकते, इसलिए ये तो नहीं होगा, ठीक है, समझ में आ रहा। तो एक्स ए वन कभी जीरो नहीं हो सकता, नेवर नेवर, खासकर लीनियर पॉलिनोमियल्स में, ठीक है, ये जीरो हो सकता है, ए नॉट जीरो हो सकता है। और एक चीज़ और, एक और कंडीशन क्या है, ए नॉट कॉमा ए वन मस्ट बी रियल नंबर, क्योंकि एवरी रियल नंबर इज़ अ कॉन्स्टेंट, ये दोनों का कॉन्स्टेंट होना बहुत ज़रूरी है, अगर ये दोनों कॉन्स्टेंट है तो ये दोनों रियल नंबर होना बहुत ज़रूरी है, समझ में आया, नोट कर लीजिए इसको, ठीक है। तो सेकेंड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या है, सेकेंड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल्स है क्वाड्रेटिक, कौन सा है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, कौन सा है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, ठीक है। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स मतलब क्या होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स मतलब द पॉलिनोमियल्स हुज हाईएस्ट डिग्री इज द पॉलिनोमियल्स हुज हाईएस्ट डिग्री या पावर कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है, और डिग्री और पावर होता किसका, वेरिएबल का, ठीक है, क्योंकि कांस्टेंट का डिग्री देंगे तो फिर वो कांस्टेंट ही मिलेगा, क्योंकि कांस्टेंट का स्क्वायर करेंगे तो कांस्टेंट ही मिलेगा, ठीक है। द पॉलिनोमियल्स हुज हाईएस्ट डिग्री इज टू, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। कैसे, एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं, जनरल इक्वेशन सबको पता ही है, कि ए नॉट, देखिए होता ना, ए नॉट एक्स पावर जीरो प्लस ए वन एक्स टू पावर वन प्लस ए टू एक्स टू पावर टू प्लस ए थ्री एक्स टू पावर थ्री प्लस से चलते जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हाईएस्ट डिग्री टू बोला, यहाँ पर जीरो है, वन है, टू है, थ्री फोर ऐसे जा रहा है, ठीक है, हाईएस्ट डिग्री, डिग्री हम बता रहे हैं, तो हाईएस्ट डिग्री टू क्या है, ये है, तो यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड जितना है ये सब पॉलिनोमियल्स में आएगा, ठीक है, सब पॉलिनोमियल्स में आएगा। इसके बाद राइट हैंड साइड जो भी है उसको हम लोग कैंसिल कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, ऐसे मिटा देंगे, ठीक है, समझ में आ रहा। तो
इसको ये जो चीज है इसी को हम लोग कैसे लिखते हैं, इसी को कोई कोई क्या करता है, इसको इवेल्युएट करते हैं। चलिए इवेल्युएट करके दिखाते हैं। एक्स पावर जीरो क्या हो, एक्स पावर जीरो क्या हो गया वन, तो इसको हम लिख सकते हैं ए नॉट प्लस ए वन एक्स पावर वन इक्वल टू एक्स प्लस ए टू एक्स। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं ए टू एक्स टू लिख सकते हैं ना, इसको ए टू एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, ध्यान से आपको समझ में आ रहा, ए टू एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। कोई कोई क्या करता है, कोई कोई मतलब बुक में भी लिखा रहता है, बुक में ए नॉट को लोग ए नॉट को सी मान लेता है, ए वन को बी मान लेता है और ए टू को ए मान लेता है। ठीक है, ये समझ रहे, इसको एज्यूम कर लेता है। ठीक है, अगर इसको एज्यूम ऐसे करते हैं, इसको एज्यूम करने के बाद, इसको एज्यूम करने के बाद क्या होता है, इसको हम लोग चलिए बदलते हैं, ए नॉट की जगह पर सी है तो पुट करते हैं सी, प्लस ए वन की जगह पर बी है तो बी पुट करते हैं बी एक्स, प्लस ए टू की जगह पर ए है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं ए एक्स स्क्वायर। ठीक है, और इस इक्वेशन के लिए कुछ कंडीशन है, दो कंडीशन है, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने के लिए दो कंडीशन है। दो कंडीशन क्या है, दो कंडीशन क्या, पहला कंडीशन क्या है, वेयर ए कॉमा बी कॉमा सी मस्ट बी रियल नंबर। ए बी सी तीनों रियल नंबर होना चाहिए, क्योंकि रियल नंबर क्या है, सारा रियल नंबर कांस्टेंट है और ये तीनों कांस्टेंट होना चाहिए, क्योंकि तीनों कांस्टेंट नहीं होगा तो फिर ये पॉलीनोमियल्स नहीं बनाएगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं बनाएगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं बनाएगा तो फिर पॉलीनोमियल्स कैसे बनाएगा। सच में ये तीनों क्या होना चाहिए, रियल नंबर होना चाहिए। दूसरा कंडीशन क्या है, सी जो है ए सॉरी ए जो है ए जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ए जीरो हो गया तो ये पूरा टर्म्स जीरो हो जाएगा, हो जाएगा ना, ये पूरा टर्म्स जीरो हो गया तो ये पूरा टर्म्स हट जाएगा, तो फिर यहाँ जो हम लोग बचेगा ये वाला, ये चीज़ बचेगा, पावर का कितना बचेगा वन, तो फिर ये लीनियर इक्वेशन हो जाएगा, लीनियर हो जाएगा, लीनियर पॉलीनोमियल्स हो जाएगा, क्वाड्रेटिक नहीं रहेगा। समझ में आया बात, नोट कीजिए इसको। ठीक है, इसके बाद क्यूबिक बताते हैं। ठीक है, जल्दी जल्दी नोट कीजिए, नोट करते जाइए, इसका नोट जरूर बनाइएगा, पहले बता रहे हैं, बहुत बार हम बोल चुके इसका नोट जरूर बनाइएगा, क्योंकि सबसे बेस्ट नोट जो होता है, जो अपना हाथ से बनाया जाता है, वो आप कभी नहीं भूलिएगा, बट आप किसी और से नोट्स लीजिएगा तो फिर वो आप आज पढ़िए कल भूल सकते हैं, क्योंकि वो आपने खुद से नहीं बनाया, जो खुद से बनाया वही जानता है अच्छा से। तीसरा क्या है, क्यूबिक, क्यूबिक पॉलीनोमियल्स, क्यूबिक पॉलीनोमियल्स क्या है, बस वही हुज हाईएस्ट डिग्रीज थ्री, हुज हाईएस्ट डिग्रीज थ्री, सेम चीज है, हुज हाईएस्ट डिग्री इज थ्री, समझे, जिसका हाईएस्ट डिग्री कितना है तीन है, उसमें वही सेम जनरल इक्वेशन के हिसाब से लिखेंगे, उतना हम करके नहीं दिखाते, फिर भी दिखाते हैं, ए नॉट, फिर भी हम मान के चलते, चलिए लिखते हैं उसको, ए नॉट एक्स नॉट प्लस ए वन एक्स वन प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस ए थ्री एक्स क्यूब। समझ में आ रहा यहाँ तक, क्योंकि इसके आगे वाला सारा कैंसिल हो गया, समझ में आ रहा ना, इसके आगे भी चलते जाएगा बट हम उसको कैंसिल कर दिए, समझ में आ रहा, तो इसको लिख लीजिए, ये क्या आ गया, ये क्यूबिक पॉलीनोमियल्स, क्योंकि इसमें हाईएस्ट डिग्री कितना है तीन है, हाईएस्ट डिग्री तीन है, तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई होने के लिए कोई कोई क्या करता है, इसको इस तरह लिख लेता है, ए नॉट की जगह पर डी ले लेता है, तो डी एक्स नॉट प्लस सी एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स क्यूब। ठीक है, इस तरह लिख लेता है, इसको एक्स नॉट को हम एक्स पावर जीरो को क्या लिख सकते हो वन लिख सकते हैं, तो कोई क्या करता है डी प्लस सी एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स क्यूब इस तरह लिख लेता है। समझ में इस तरह लिख लेता है। इसको इसको भी सेटिस्फाई होने के लिए क्या करना चाहिए, दो कंडीशन है, पहला कंडीशन क्या है, पहला कंडीशन क्या है, ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी मस्ट बी रियल नंबर, ये चारों क्या होना चाहिए, रियल नंबर होना चाहिए, क्योंकि ये चारों रियल नंबर होगा तभी ये लोग चारों कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट होना बहुत जरूरी है क्योंकि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनाना है। ठीक है, और सेकंड कंडीशन क्या है, ए जो है ये जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये जीरो हो जाएगा तो फिर ये क्यूबिक नहीं रहेगा। समझ में आ रहा, नोट कीजिए। ठीक है, ये एक आखिरी टाइप बचा है, वो आखिरी टाइप क्या है, बाई क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल्स, क्या है, बाई क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल्स, बाई क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल्स। ठीक है, समझ में आ रहा, ये बाई क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल्स क्या बोलता है, ये बाई क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल्स क्या बोलता है,
सेम चीज़ है, सारा सेम चीज़ है। पहले लीनियर में जिसका हाईएस्ट डिग्री 1 था, क्वाड्रेटिक में जिसका 2 था, क्वाड्रेटिक में 2 था, क्यूबिक में 3 था, बाय क्वाड्रेटिक में कितना होगा 4, क्वाड्रेटिक में 2 बाय बाय मतलब 2, क्वाड्रेटिक में 2 और बाय क्वाड्रेटिक में 4, तो हूज हाईएस्ट डिग्री, हाईएस्ट डिग्री इज 4, समझ आ रहा ना, जिसका हाईएस्ट डिग्री कितना होगा 4, कितना होगा 4। तो एग्जांपल के तौर पे दिख रहे हैं, एग्जांपल के तौर पे क्या होगा, आपको जनरल इक्वेशन पता ही है, सबको बहुत बार बता चुके हैं, तो लिखते हैं, डायरेक्ट लिख लेते हैं, ठीक है, प्लस a1x1 प्लस a2x2 प्लस a3x3 प्लस a4x4, इसके आगे भी चलते जाएगा, बट हम यहीं तक लिख रहे हैं क्योंकि हाईएस्ट डिग्री कितना मांगा, हाईएस्ट डिग्री 4 मांगा, ठीक है, हाईएस्ट डिग्री 4 मांगा। कोई इसको इसी तरह लिखते हैं, बहुत कोई इसको इस तरह भी लिखता है, किस तरह लिखता है, इसको ए नॉट को मान लेता है e x0 प्लस d x1 मतलब x व्यू समझे ना, प्लस cx2 प्लस bx3 प्लस ax4, ताकि दिखने में अच्छा लगे, इसको इसी तरह लिखता है ताकि उसको दिखने में अच्छा लगे, ठीक है, इसको और चाहे तो फर्दर इवेल्युएट कर लेता है, x0 को मतलब e इज मतलब 1 हो जाता है, 1 इंटू e हो जाएगा, प्लस dx प्लस cx2 प्लस bx3 प्लस ax4, समझ में आ रहा, इसको बहुत कोई इस तरह लिखता है। और इस इक्वेशन को सेटिस्फाई होने के लिए भी दो कंडीशन है, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई होने का दो कंडीशन है, पहला कंडीशन क्या है, a, b, c, d, e मस्ट बी रियल नंबर, क्योंकि ये अगर रियल नंबर नहीं होगा तो ये कांस्टेंट नहीं होगा, सारा रियल नंबर कांस्टेंट है, कांस्टेंट होना बहुत जरूरी है ताकि ये अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बनाए, ठीक है। सेकेंड कंडीशन क्या है, कि सेकेंड कंडीशन है a डज नॉट इक्वल टू 0, सेम कंडीशन, समझ में आएगा। तो अभी तक हम चारों वेरियस डिग्री ऑफ पॉलीनोमियल्स हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, चारों, पहला क्या था लीनियर था, पहला क्या था लीनियर, सेकंड क्वाड्रेटिक, थर्ड क्या था क्यूबिक, और फोर्थ क्या था बाइक्वाड्रेटिक, ठीक है, चारों को हम डिस्कस कर चुके हैं। पहला में क्या था पावर जिसका 1 था, सेकंड में पावर 2 था, थर्ड में पावर 3 था, फोर्थ में पावर 4 था, इसके आगे भी चलती जाता है, ठीक है, बट हम लोग को सिलेबस में बस यहीं तक पढ़ना है, ये भी नहीं पढ़ना है, क्यूबिक भी अभी नहीं पढ़ना है, फिलहाल हम लोग क्वाड्रेटिक तक पढ़ेंगे, ठीक है, क्वाड्रेटिक और लीनियर पढ़ेंगे, ठीक है, ये सब हम लोग आगे पढ़ेंगे, ये सब आगे हम लोग का काम आएगा, ठीक है, आप इसका नोट्स बनाते रहिएगा। अभी फिलहाल हम इस लेक्चर को हम यहीं एंड कर रहे हैं, ठीक है, इसके अगर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग लाएंगे इसका स्टैंडर्ड फॉर्म, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है, इंडेक्स फॉर्म है, कोफिशिएंट फॉर्म है, इसके बहुत सारे मतलब फिर जीरोज ऑफ पॉलीनोमियल्स है, फिर बहुत सारे फैक्टर थ्योरम है, बहुत सारे इसमें है, फिर आगे चल के फैक्टराइजेशन भी है, बहुत सारे इसका बहुत लंबा डिटेल में चलेगा ये पॉलीनोमियल्स, ठीक है, तब तक के लिए इसको नोट्स कर लिए, ठीक है।